हेलो नमस्कार, मैं हूं मनीकेश चौधरी, योर लिविंग स्टाइल आर्किटेक्ट। आज हमारी एक और प्रोजेक्ट 3BHK जिसे हम हैंड ओवर कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जिसे हमने बनाया है यहाँ पे। ये है नाना चिलोड़ा करके एरिया है, राइट? न्यू शाहीबाग बोलते हैं, और स्कीम की नाम है कैलाश शिवालय, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये 3BHK है, जिसे हमने कुछ 4 मंथ्स के अप्रॉक्स हमें लगे, लेकिन हमने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली एक मॉडर्न स्टाइल में डिज़ाइन किया है विद द ब्यूटीफुल पेस्टल्स कलर के साथ में। तो आज इसी के लिए हम इस जो घर के ऑनर हैं या फिर जिस खूबसूरत कपल का ये खूबसूरत घर है, उनके साथ कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनको डिज़ाइन कैसा लगा और जो उनके एक्सपेक्टेशंस थे वो फुलफिल हुए, और बाकी सब चीज़ें बहुत कुछ इंटीरियर्स के बारे में कुछ बात करते हैं उनसे और जानते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, जो ये हैं हमारे पास मिस्टर प्रज्ञेश कुमार एंड वर्षा मैम यहाँ बैठी हैं। तो वर्षा मैम, सबसे पहले कि जब अपनी ये बात हुई, जब प्रोजेक्ट्स हमारे पास आए, तो उसमें प्रज्ञेश सर हमारे पास आए और इनका था कि नहीं हमें करना है डिज़ाइन या बनाना है। तो जो एक रहता है जब हम किसी डिज़ाइनर को सर्च करते हैं, जब आप घर के लिए डिज़ाइन करने जाते हैं, तो एक जो माइंड में होता है कि आप कैसा डिज़ाइन करवाएंगे या कौन आपकी उस ड्रीम को, एक्सपेक्टेशन को कन्वर्ट कर सकता है, बना सकता है, तो वो उस वक्त आप लोग के माइंड में भी कुछ चल रहे होंगे, तो वो क्या था, कुछ उसके बारे में बताइए प्लीज़। एक्चुअली मार्च एंड में जी हमने बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स ऑनलाइन सर्च किए, गूगल किए, और 2-3 से मिले भी हम, लेकिन हमको उनकी डिज़ाइंस इतनी अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया इंटीरियर हैशटैग करके इंटीरियर डिज़ाइनर्स, वहाँ पे भी बहुत सारी रील्स वगैरह आने लगी, और ऐसे ही एक रील देखते देखते भव्या इंटीरियर्स की एक रील देखी मैंने, फॉयर वाली, और इट वॉज आई कैचर। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने वो रील देखी और मुझे लगा ये सही है, यहीं से करवाना है। मैंने आपका पेज ओपन किया और सारी बाकी सारी रील्स देखी, मैंने इनको सेंड की बाकी रील्स कि आप ये देखो, इन्होंने देखी, इनको भी पसंद आई सारी, और देन द नेक्स्ट डे इन्होंने आपको कॉल किया और मीटिंग फिक्स की जी। और इस तरह से हमने आगे बात बढ़ाई जी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप फाइनलाइजेशन के टाइम पे थे, कि जब अपनी डील्स चल रही थी कि अब आपको करना है, फिर फाइनलाइजेशन के बाद जब हमने डिज़ाइंस बनाने स्टार्ट किए, तो बेसिक जो डिज़ाइंस होते हैं जब उस वक्त में, तो वो जो होता है जब एक डिज़ाइनर एक अपना कॉन्सेप्ट रखता है क्लाइंट के सामने, एक क्लाइंट को समझता है कि भाई क्लाइंट को क्या चाहिए, उनके ड्रीम्स क्या है या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके हिसाब से हम एक कॉन्सेप्ट अपना रखते हैं कि जी हम ये सोच रहे हैं या ये कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जब उस वक्त हमने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया था, तो जो आप के जो चीज़ें थी, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी या जो आप चाह रहे थे कि चीज़ हमें मिले, तो क्या वो चीज़ें आपको मिली थी कि जो हमने एक्सपेक्टेशन आपने किया था वो? नहीं, डेफिनेटली जो मेरे को चाहिए था, उन्होंने एक बार मुझे जो डिज़ाइन भेजी फर्स्ट जी, तो मुझे थोड़ा बहुत पसंद नहीं आया जी। जो उसके बाद उनको मेरा, मैंने उनको मेरा टेस्ट समझाया कि इस हिसाब से मुझे चाहिए, तो उन्होंने सेकंड जो डिज़ाइन मुझे भेजी, वो मेरे एकदम मेरे को टच हो गया और मेरे को अच्छा लगा, तो सत्यनारायण भाई ने मुझे भेजा। इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो चलता रहा, जिसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस में रहे, सब चीज़ें करते रहे, तो कहीं ऐसी कोई बात जो आपको ऐसी लगी हो कि नहीं ये मेरे हिसाब से नहीं हुआ, या फिर या आपकी चीज़ों को लेके, आपके पसंद के सिलेक्शन को लेके, ऐसा कुछ पॉइंट होता नहीं बिटवीन द ड्यूरेशन जो एक एक्सपीरियंसेस होते हैं? हाँ, वो हुआ ऐसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फर्स्टली जब आपने बोला कि फर्स्ट ट्रायल एंड एरर जी, जैसे ट्रायल और एरर कि कुछ भी आपको अगर पसंद नहीं आता तो हम चेंज कर सकते हैं जी। फर्स्ट एक दो डिज़ाइन हमको नहीं समझ में आए, फिर आपने चेंज किया, तो जो वो सेकेंड और थर्ड जो डिज़ाइंस थे वो ऐसे थे कि हमको जो हम सोच रहे थे हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अच्छे थे,
तो वो हमको इतना परफेक्ट लगा कि हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो बेस्ट था। राइट। एंड जो पूरी कंपनी की जो प्रोसेस रही है आपके यहाँ काम करने की, मैं ये दोनों से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, हमारी टीम बनाती है, या फिर सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है, या फिर ऑन साइट चीज़ें देना, तो उसमें कहीं कोई त्रुटि या कोई कमी लगी हो, या उससे कहीं पे आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा हो, ऐसा कुछ? डिफ़िकल्टी तो कोई नहीं हुई, नहीं, नो, सब कुछ ईजीली रहा, अच्छा रहा। अब आते हैं आपके ड्रीम्स। हमारी सबसे पहले कि हमें हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ विशेष हैं आप दोनों के लिए। थैंक यू। और आज इनका बर्थडे भी है और ये इनको बर्थडे गिफ्ट कर रही है घर जो बाद में आप इनके सारे क्लिप्स और फोटोग्राफ्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। तो होप, उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे प्रग्नेश सर, हमारी वर्षा मैम को गिफ्ट कर रही है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट हो। तो अब फाइनली जब ये घर बन गया है इतने मेहनत के बाद, क्योंकि इस चीज़ को बनाने के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है, एक बहुत स्ट्रगल होता है, हमारे वर्कर का काम दिन रात करना, हमारे डिज़ाइंस बनाना, बहुत सब चीज़ें कम्युनिकेट करना होता है, राइट? तो अब मुझे बताओ कि अब क्या फील कर रहे हो, या कैसा लग रहा है, या आपके ड्रीम पूरे हुए कि नहीं आप दोनों के? अभी ये देख के लगता है, इतने टाइम से ऐसे लग रहा था कि बहुत वेट करना पड़ रहा है, बहुत वेट करना पड़ रहा है। फाइनली जब ये आज पूरा देखा तो ऐसा लगा कि इट्स ऑल वर्थ इट, दैट्स इट, इट्स ऑल वर्थ इट। एंड जो हमने आपको डिज़ाइंस बताए थे, जो 3Ds हमने दिखाए थे, हम उम्मीद करते कि हमने वही चीज़ें आपको सामने दी है, शायद मतलब मोर ब्यूटीफुल इन रियल। या यस, थ्री डी से भी ज़्यादा, 3D से भी ज़्यादा ये रियल में देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब 3D किससे बेटर देन, बेटर, बेटर, 3D से भी बेटर है। यस यस। तो और कुछ जो आपको लगा कि, हाँ एक चीज़ सवाल है, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस घर में आपके पसंद का, वो बता दो। चलो, जो इनका बेस्ट पार्ट है वो एक्चुअली इनका होना चाहिए, लेकिन एक एक पूरे घर का डिजाइनर डिजाइन करता है, बट कहीं ना कहीं जब उस घर के जो जिनका वो घर होता है, जो रहने वाले होते हैं, एक पर्सनल कॉर्नर, पर्सनल स्पेस होता है, जो उसको काफी क्लोज लगता है कि यार ये पार्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगा, यू नो, पूरे होल एंड सोल में, वो क्या है आपका बेस्ट पार्ट? लेकिन मुझे किचन बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे एक्चुअली मास्टर बेडरूम ज्यादा अच्छा लगा। मास्टर बेडरूम, खास करके आपके बेड के बैक का जो बैकग्राउंड है, वो जो एक ग्रीनिश टोन जो आ रही है उसके साथ में, वो काफी ब्यूटीफुल इफेक्ट निकल के आ रहा है। यस, वो कहीं ना कहीं पूरे ड्रीमी है पूरा। हां, पूरा पूरा वो रूम को जो ग्रीन टच दे रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत प्यारा टच दे रहा है। बिल्कुल डिफरेंट, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और आपको किचन पसंद है? मेरे को किचन और लिविंग रूम बहुत पसंद है। तो मैं ये मान के चलूं कि आप किचन में रहने वाले हैं सर? एक्चुअली किचन और लिविंग रूम स्वप्निल सर ने मुझे फर्स्ट टाइम ही दिया, राइट? उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करवाया, क्योंकि उसकी डिजाइन हमको ऑलरेडी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने जो बनाया वो बहुत। इनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा किचन का, ऑल ब्लैक, राइट? और मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आपका, ये मेरा बनने के बाद इतने जितने भी मेरे फ्लैट में जो मकान है जी, जितने भी डिजाइन बनवाई, मेरे जैसी डिजाइन किसी की नहीं होगी। नहीं, देखिए जहाँ तक बात रही इसके कलर कॉम्बिनेशन का, जिस हिसाब से हमें थोड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस था हमारे पास, तो कॉम्पैक्ट स्पेस में डिज़ाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर आपके डिज़ाइन में या फिर कलर कॉम्बिनेशन में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, तो वो स्पेस आपका और कम दिखता है, और आपको ऐसा लगे कि यार ये घर बहुत, कहते हैं एकदम टाइट हो गया या कंजस्टेड हो गया ऐसा। तो वो थोड़ा हमारे लिए भी था कि नहीं, हमें अपने इस घर को ऐसा नहीं दिखाना है कि लगे कि नहीं यार बनने के बाद वो एकदम शुरू होते ही ख़त्म हो जाना या छोटा लिखे करके। जब शुरू में स्वप्निल सर और आप जब डिजाइन मुझे भेज रहे थे जी, तो मुझे लगा ये वॉल पे मुझे क्यों नहीं दे रहे जी, ये वॉल पे मुझे क्यों नहीं दे रहे जी, लेकिन मैं एक्चुअली आपका माइंडसेट उस टाइम पे नहीं समझ रहा था जी, कि ये जो पीछे डिजाइन है वो स्पेस की वजह से वो डिजाइन अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब बन गया, पूरा टच आ गया, तब मुझे ये बात सच लगी कि भाई जो आप बता रहे थे वो एग्जैक्ट, कि हम हर वॉल को ट्रीट नहीं कर सकते, उससे हमारी चीजें और जगह कंजेस्टेड और टाइट लगेगी, बन लगेगी, राइट? तो आपका स्पेशल कॉर्नर है किचन। चलो किचन के बारे में कुछ बता दो।
किचन में क्या अच्छा लगा? किचन की डिजाइन कैसी लगी? कलर कॉम्बिनेशन खास करके ब्लैक एंड व्हाइट है वो, ब्लैक और व्हाइट। हाँ, और जो हमने लास्ट में अभी वो काउंटर पे व्हाइट कर दिया ना, उससे इसका फील और बढ़ गया। एक्चुअली सही बता तो वो मुझे लग भी रहा था कि मैं एक बार इनको कभी बोलूं करके कि आप ये जो स्टोन है वो उसको व्हाइट करवा दो। टचवुड, अगर वो व्हाइट की वजह से जो उसका फील है ना, वो कहीं ना कहीं उसका एक पूरा एक अलग फील आने लगा। यस, चेरी ऑन द केक कि वो उसकी वजह से। हाँ, इन्होंने ये जो काम करवाया ना कि जो लास्ट में डिसीजन दिया कि नहीं आप ये व्हाइट कर दो, उससे बुरा लुक चेंज हो गया। मुझे लगा कि हाँ अब ये एक ना फील आ जाएगा। 3D में वो व्हाइट कलर दिखाया। हाँ, 3D में व्हाइट ही रखा हुआ है इसने। तो हमें ऐसा लगा कि ये आएगा ही साथ। परफेक्ट। एंड जो स्पेस है उसे भी हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया ताकि कहीं भी आपके घर में डिस्टर्बेंस भी नहीं आती। अगर आप देखने जाओ पूरे घर को तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। रूम को आपने स्पेस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जी। तो वो समय और कुछ बताओ, आज बर्थडे है आपका, नया घर आपको मिला है, कुछ तो बताओ हमारी टीम के बारे में या फिल्म के काम के बारे में। एक्चुअली मैं स्वप्नी सर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ बोले। मैं चाहता हूँ बोले प्लीज। इन लास्ट 4 मंथ्स में इन्होंने स्वप्नी सर को बैक टू बैक इतने फोन कॉल्स किए, बैक टू बैक, स्वप्नी सर ये करवा दो, वो करवा दो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और वो इतनी पेशेंटली सुन रहे थे सब और इतनी पोलाइटली आंसर कर रहे थे कि हाँ सर हो जाएगा, मैं करवा देता हूँ, ये भी हो जाएगा। वो चीज़ इनकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है वो चीज़। और हाँ, इस प्रोजेक्ट में हमारे इनके बीच में बम भी बहुत फटे छोटे छोटे। और लेकिन कहते हैं ना कि वो अच्छा होता है एक बार, क्योंकि उससे कोऑर्डिनेशन अच्छी बन जाती है। तो शुरुआत में ये मुझे नहीं समझ रहे थे शायद, या मैं इनको नहीं समझ रहा था, लेकिन एक तरह से अच्छा ही होता है कि जब आप एक दूसरे से थोड़े भिड़ते हो और दूसरे के अंडरस्टैंडिंग को जानने की कोशिश करते हो तो एक बेटर रिजल्ट निकल के आता है। और उम्मीद करूंगा कि हमारा इनके साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहे, आगे रहे हमारी टीम के। एंड मेनी मोर विशेस हमारी तरफ से आपके लिए, आपके इस घर के लिए। थैंक यू। एंड सच अ ब्यूटीफुल हाउस फॉर ब्यूटीफुल कपल। मुझे फॉयर भी बहुत अच्छा लगा। हाँ यार, फॉयर के बारे में भी तो फॉयर के बारे में कुछ बताइए प्लीज। लास्ट तक मैं इस चीज को पकड़ के रखा था कि मेरी जगह बहुत बड़ी है, उसको आप अच्छे से इस्तेमाल करो, अच्छे से। ये आधे प्रोजेक्ट से मेरे पीछे थे कि भाई फॉयर का बताओ। मतलब भैया पूरे अंदर तो कर लेने दो, अंदर से मुझे डिज़ाइन फाइनल हो जाए, मैं आपको फॉयर बताऊंगा। लेकिन इनके माइंड में फॉयर शुरू से था ये कॉन्सेप्ट कि नहीं, मुझे फॉयर बहुत अच्छे से बनाना है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना है। तो फाइनली यू आर हैप्पी सर? इनफैक्ट फॉयर की हमने गूगल में से सर्च करके बहुत सारी पिक्चर्स भी ग्रुप में सेंड की थी कि हमें इस टाइप का चाहिए फॉयर, ऐसा बनाओ आप। पर स्वप्निल सर ने एक भी डिज़ाइन उनमें से कॉपी नहीं किया बिल्कुल भी, उन्होंने उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया फॉयर। कॉपी नहीं करने का रिस्ट्रिक्शन हमारे यहाँ है ही ऑलरेडी। मैं पहले बोलता हूँ कॉपी करने से तुम लोग रहोगे क्यों मेरे ऑफिस में, सीधी बात है। तो और यहाँ पे शूट करने का भी रीज़न ये है कि हम आज आपके फॉयर को इसलिए हमने चुना कि ये फॉयर के पीछे की बैकग्राउंड है और खासतौर से जो डोर है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल डोर। क्योंकि अगर कोई भी इस जगह पे, मैं इतना कह सकता हूँ कि जो अगर आए अपने डोर के मेन डोर पे जब देखे तो वहीं पे उसको एक फील आएगी कि नहीं फर्स्ट इंप्रेशन, वी हैव सम ब्यूटीफुल एंड लग्जरी वेलकम और हाउस, राइट? तो डोर के बारे में बताओ, चलो आप बोले डोर के बारे में। डोर भी मेरी पसंद नहीं, मुझे डोर और फॉयर अच्छा चाहिए था एंट्रेंस, यानी वो जो मैंने सोचा था ऐसा बिल्कुल उससे भी अच्छा मुझे अभी फील आ रहा है एकदम। तो मेरे पास उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। एक्चुअली डोर का कलर अच्छा लग रहा है, वाइट कलर बहुत अच्छे से मैच हो रहा है और फॉयर के डिज़ाइन के साथ ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं बोलना चाहती हूँ, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई गॉट ऑन माई बर्थडे आफ्टर प्रियांश, मेरी बेबी के बाद ये सेकेंड बेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा आज के दिन। हम विश करेंगे, दुआ करते हैं कि आपको ऐसे गिफ्ट बहुत सारे देते रहिए।
He's a very nice person. Thank you. By nature, by heart, I know them. Thank you. और मिलते रहे, और अगर हमसे या हमारी टीम से जो छोटी मोटी कहीं पे कुछ त्रुटि रही हो या गलती हुई, तो मैं उसके लिए एज अ ऑनर, एज अ डायरेक्टर क्षमा चाहता हूँ. और उम्मीद करता हूँ कि हमारी डिज़ाइन या हमारा काम आपको पसंद आया और आप एट द एंड सब कुछ एंजॉय करें इस घर को अच्छे से, राइट. अब है जिग्नेश भाई मेरे साथ में, जो इनके छोटे भाई हैं. ये गुजरात पुलिस में अपनी सर्विस दे रहे हैं. पहले तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. और इनसे जानना ये है मुझे, कभी ये प्रोजेक्ट्स में दिखे नहीं आज तक, ना डिज़ाइन में कोई इंटरफेयर इनका, ना लेना ना देना, क्या बना रहे हो. साइड पे भी कभी नज़र नहीं आए पिछले 4 महीने में, कभी दिखे भी नहीं आए कि भाई इनके बेडरूम में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. लेकिन आज ये अलग हैं, यहाँ पे मिले हैं. तो इस छोटी सी बातचीत में इनसे जानते हैं कि अपने बेडरूम के बारे में ये क्या कह सकते हैं. हमारे 24 घंटे की ड्यूटी है, जैसे पूरा दिन 12 घंटे तो हो ही जाते हैं ड्यूटी में जी. 12 घंटे के ड्यूटी के बाद तुम जब घर पे आते हो तो तुम्हें महसूस होना चाहिए, यानी बर्डन नहीं होना चाहिए, शांति से आप आपके रूम में बैठ के सो सकते हो, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो ऐसा जी. तो भाई और भाभी दोनों प्रोजेक्ट को डील कर रहे थे, तो मैंने उन्होंने बताया कि भाई ऐसा आप अपने हिसाब से बनाओ जी. कि मुझे, मैं जॉब से यानी नौकरी से आऊँ तुरंत ही, मुझे मैं मेरे अपने बेड में जाके सो सकूँ और पूरा महसूस कर सकूँ, कोई बर्डन ना हो, कोई मुझे में कोई ऐसा लगे नहीं कि मैं कोई काम करके आया हूँ या कोई ऐसा, कोई मुझे पता ही ना चलेगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ. तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अपने जो भव्य इंटीरियर करके है, उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग वहाँ पे बनाएंगे. तो आज ये जो मौका मिला है यहाँ पे, ये रूम देखा मैंने, और सही से ऐसा नहीं है कि हम आपका सही देखने के लिए बोल रहे हैं, पर सही में आज बैठा हूँ रूम में और लग रहा है मुझे कि नहीं, जो मैं सोच रहा था कि ऐसा होना चाहिए बेड जो मेरे बेडरूम में, वो सही तरह से मिला है मुझे. और भाई और भाभी दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने डिज़ाइन अपने हिसाब से चूज़ किया और मुझे भी इन्वॉल्व किया कि आप भी यहाँ मेरे तरह से रूम में जी आप रह सकते हो. ओवरऑल घर का जो फीलिंग है, वैसे तो वर्षा मैम और प्रमेश आपने बताया मुझे, लेकिन अब मैं ये चीज़ आपसे भी रिपीट करना चाहूँगा, जो पूरा एक एंट्रेंस के साथ में जो आप देख रहे हो घर, वो क्योंकि ये आपका भी घर है, आपका ही पार्ट है, आप भी इस घर में रहें, तो आपको जो फील आ रही है वो थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करें प्लीज़. जब देखो मैंने पहले ही आपका जो भव्य इंटीरियर, ऐसे नाम मेरे 2-3 कलीग है मेरे साथ जॉब में, उन्होंने मैंने बताया कहाँ काम करवा रहे हो, उसको खाली मैंने बताया कि भव्य इंटीरियर जी, तो पूरा चौंक गए, यानी शौक हो गए कि वहाँ बना रहे हो आप, तो कि बन जाए तो तुझे मुझे बुलाना. तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, कल 2 दिन के पहले ही मैंने ये पूरा जो बन गया अपना घर, उनको मैंने वीडियो भेजा जी, उन्होंने पूरा जोरदार बनाया है. ऐसा मेरे चैट में है, आपको दिखाऊंगा मैं जी जी. मेरे जो भी कलीग्स हैं उन्होंने सब ने ऐसा रिव्यू दिया है कि भाई हम लोग जहाँ भी अब नेक्स्ट टाइम जहाँ भी कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही प्रीफर करेंगे कि भाई हम आपका वहाँ पे देख के और भव्य इंटीरियर को हम नहीं नहीं ये बड़प्पा ने आप लोगों का कि नहीं, आप ऐसा नहीं है, काम देखना है काम के वजह से. उन्होंने पहले नाम सुन के ही उन्होंने बता दिया कि भाई आप वहाँ बना रहे हो तो बेटर ही रहेगा, और आज बन गया है जो अपना हाउस. फिर उन्होंने मैंने वीडियो भेजा, उन्होंने बताया कि जोरदार बनाया, और जो डिज़ाइन वगैरह पूरा घर ऐसा नहीं है कि बेडरूम की वजह से, पूरा जो अपना फॉयर है अंदर बेडरूम का, जो हॉल किचन है, जो भी है, तो जो भी डिज़ाइन पसंद किया है आपका, मीन्स के भव्य इंटीरियर का, दोनों का सपोर्ट है, नहीं दोनों ने मिलके जो डिसाइड किया है बढ़िया है. और बाहर से भी मेरे जो दोस्त वगैरह लोग हैं वो भी ऐसा प्रीफर कर रहे हैं कि हम लोग भी आपको बुलाएंगे ऐसा जी. बहुत बहुत धन्यवाद. तो ये थे जिग्नेश भाई हमारे, जिनके बेडरूम के बारे में जाना, क्योंकि कभी ये प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे नहीं, जो भी था वो प्रमेश सर और वर्षा मैम ने डिसीजंस लिए थे. लेकिन ये उम्मीद ये थी मुझे कि इनको इनका रूम पसंद आएगा, और वो खुशी है मुझे आज कि ये अपने रूम से खुश हैं और इनको अच्छा लगा. तो बस इसी के साथ अभी मैं इस डिस्कशन को अब यहाँ एंड करता हूँ, और फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स पे अपने साथ मिलके फिर आगे बात करते हैं. थैंक यू, नमस्कार. हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर
न्यू होम। थैंक यू सो मच।